ये चीज गाइस, अरे मैं कांच रूने आ रही हूं, अब कांच माओ का ही हो जाए भाई। हां काई बोल रही है, काई बोल रही है। अरे भाई साहब, और अब पज गया, देख ले फोन मैं पी। मजा आ रहा, हम लोग नहाने भी गए थे बाहर, नहाया मैं चड्डी में। सभी चड्डी में तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग गांव में घूम रहे हैं और पैदल जा रहे हैं रील्स वगैरह बनाने। बाकी सोनिया हमारे साथ, पूजा है। हमने ना वीडियो काफी दिन पहले शूट कर ली, मतलब 2 दिन पहले, हम काफी टाइम हो गया आए हुए, तो मिल जाए। लेकिन ये व्लॉग है ना, पता नहीं कब डालूंगा, मेरे को पता नहीं है। जिस दिन डालूंगा उस दिन व्लॉग देख लेना आप लोग। मस्त बैकग्राउंड आ रहा पीछे का, मतलब ये है ना, ये इसकी वजह से अच्छा लग रहा है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं घूमने, और सोनिया भी साथ में, और हम लोग कब रास्ते में पहुंच चुके हैं, मतलब भीलवाड़ा पहुंच गए हैं, मतलब आधे रास्ते में। तो यहाँ का व्यू काफी अच्छा लग रहा है, मतलब खेत ही खेत दिख रहा है और पेड़ पौधे, इसलिए मैं बाल बना रही हूं मेरे, क्योंकि पेड़ पौधे भी नहीं है बिल्कुल आसपास, देखो। और सनसेट पॉइंट भी हो रहा है, और आगे अभी बहुत दूर जाना हमको, तो हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कितने बजे निकले थे अपन, 3 बजे या 2 बजे? 3:30 बजे मेरे को, 3:30 बजे निकले। 3 बजे तुमने विकास से घर छोड़ा है मुझे। अबे खेपड़ी कही की मैंने उसे, मैंने कर लो कॉल डिटेल, मैंने पत्तू है थरम ज्यादा कही बिना फालतू में, इतना मुंडा खाली बाल बाज हुआ और कहीं आगे पाचे अरे कोई ट्रक चढ़ा दे लाइव पर। बढ़िया चढ़ा यार, बड़ी अफसोस की बात है, ये हाईवे पूरा खाली कैसे पड़ा है। हाँ तो गाइस उन लोगों को फोन आ रहा है, और पता है बीच में रास्ता कटा हुआ था वहाँ पे, और ना मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाओ फिर वापस घूम के, तो हमने बीच में रास्ता बना दिया। और केटीएम को ना ये चेक करो। तो गाइस यार रानी देखो कितनी प्यारी लग रही है, और काफी अच्छी लग रही है, क्यूट भी लग रही है। इसको धुलवा के लाया ना मैं, देखो बहुत प्यारी लग रही है ना। सुने खड़ी है गाड़ी के पास में, मजा आया बाबू आज, बाल तो खराब हो रहे हैं। बाकी इस व्लॉग में आप लोगों को काफी मजा आएगा, देखते हैं। अभी 3-4 दिन हम थोड़ा बाहर ही रहेंगे, घूमेंगे बाहर ही, तो आप लोगों को व्लॉग मिलते रहेंगे डेली। तो गाइस जाना देखो, सूरज अस्त हो चुका है इधर, बस दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, और अंधेरा भी होने वाला, तो टाइम पे निकलते हैं। पता नहीं अभी वो हमको लेने आया आधे रास्ते में, अभी हम लोग साथ में जाएंगे वापस। लेट्स गो, अब व्लॉग बनाना तुम लो। तो ये सामान है हमारा, ये बैग है, ये है। कैसा लग रहा हो तू? मस्त लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। गाइस आज मैं बाल और दाढ़ी सेट करवा के, और अपनी गाड़ी को भी धो के लेकर आया, रानी को इसको धो के लेकर वॉश करवा के लाया। आज मैंने जूते पहने, आज इसने चप्पल पहनी है, क्योंकि मैं जूते और लोअर में कम्फर्ट रहता हूँ। चले चलो And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. हम लोग आ रहे थे धनोप माता रानी के मंदिर पे यहाँ पे, और अभी पूजा वूजा भी हो रही है आई थिंक, और ये भाई है यहाँ पे विमो, अभी ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा हुआ, और इनके साथ वो भी है पूजा, वो उधर खड़ी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। और भाई क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है भैया, इसका स्टाइल देखा है शर्म आ रही है तो अभी क्या भी। तो गाइस अभी देखते हैं अंदर जाते हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ, बट नाम पहले सुना है मैंने, पापा वगैरह नाम लेते थे, तो देखते अभी जाके अंदर जाके। तो गाइस ये चेक करो, माता रानी का मंदिर है, और उधर भाव भी आ रहे हैं लोगों को, पब्लिक बहुत ज्यादा। फिलहाल हम लोग पूजा घर पे आ चुके हैं, और दूसरी बात ये पूजा ने मेरे को झूठ बोला कि एक हाईवे है। तो यार मेरे सामान पे मत जाना, मैंने बहुत सारा बोझ पकड़ रखा है। पोई टाइम लेट घूम रही है ना, पोई टाइम वाली सड़क में सुबह तक गाड़ी लेके घूमूंगी भाई चप्पल का पता नहीं क्या सीट के जब भास रही है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं पानी वानी पी रहा हूँ हैंडपंप में, बस मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी है। जब बचपन में था ना तब ऐसा हैंडपम्प था, जब स्कूल जाते थे ना, स्कूल के अंदर था तो वहाँ पर पानी पीते थे हम बहुत सारा। आज खारा पानी है, खारा पानी है तो यार फिल्म बन गई तो खारा पानी है। और सोनिया वगैरह अंदर है, तो दाल बाटी बनी है आंटी ने, तो खाना खाते, मतलब उसकी पूजा की मम्मी ने बनाया खाना, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद छत पे सोएंगे, और मैं तो पबजी खेलूंगा, तू मेरे साथ टाइम पास करना। हाँ। ठीक है बिल्कुल। और कैसे ना बिल्कुल इस गांव में ना बिल्कुल सन्नाटा एकदम, अगर मैं तेज तेज बोलू ना तो पूरा गाँव वाला उठ जाए वाली, लेकिन मैं धीरे बोल रहा हूँ। चलो खाना वाना खा लेते हैं। हाँ बेटी लाल टमाटर का घर आया मैं, देखो सर इसका मुँह कोई दिखाई नहीं रहा, जबरदस्ती मुझ पा रही है काम कर लिया। अच्छा नाक कटा दी कैसे? देखो पता है वो तो ठीक है, बता
बताना देखी नहीं क्या तेरी वीडियो मैंने? कौन सी वीडियो? छोड़ी मैंने। अरे वारे यार। और पूजा काम कर उसको या तो फोन में से हटा दे मेरी मम्मी मार। और पूजा क्या हाल चाल है? बढ़िया है बस। बढ़िया कई काट रही कांदो काट रही कांदो खिला रहा हूँ कांदो खिला चिकन लेग पीस ये कांदा कांदो खिला रहा हूँ मांदो गेरी यहाँ छोरी ये सोवे ना तो इन दोनों की खाकों में कांदा डाल दिया मन वाह ठीक है छोड़ ले गैस छोड़ ला मैं मूली खिला रहा दिया पूजा अच्छा मूली खा रहे पूजा का दांत बारा है यार पूजा ले देख जाए वो देख तो सही अलग तो देख विमो के भी बाहर है ही देखो नहीं नहीं मेरे छेद है बीच में जगह ए बार इसे पूजा के बीच में दांतों में जगह है जो है जो बाबा रो मत रो मत कन भैया ससुराल रो मत रो रही है तो बिना फालतू में देख जो इन्हें मैं ससुराल बाबू चुप करें ना चुप करें रो रही है देख अरे बाहर रे वो कौन ही जाओ अभी आंटी आके चुप कराएगी बोली बेटी आके रही है मेरे को मेरे मायके जाना है मायके जाएगा ससुराल जाएगी यार क्या रो रही है दिमाग खराब करके चली ससुराल नहीं जाना ठीक है देखो रो रही है देखो क्यों रो रही है भाई जल्दी ब्याह करा दे ठीक है आंटी अंकल आंटी ने क्या जल्दी लड़को ढूंढे था कतर तो गाइस ये चेक करो दाल बाटी है बढ़िया और सोनिया सामने बैठी है इधर विमल बेटा है ऑल सेट और क्योंकि मेरे को गुटका उटका लाने की जरूरत नहीं विमल साथ सफारी में साथ में भटका मतलब हम दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाह रहा है वो लड़ाई नहीं करवा रहे हैं वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कई सपोर्ट कर रही है वो बता रहे हैं वो लड़की गलत थी तो थी बात खत्म हां भी ऐसी वो देख लो एक वोट और हमारी तरफ तीन वोट है भैया अरे अंग्रेजनी ये गांव में अंग्रेज पैदा करता होगी देख कितनी गोरी है हां तो गाइस फिलहाल मैंने खाना खा लिया दाल बाटी और अभी ये पूजली खा रही है खाना और इधर सोनिया बोरी अल देखिए अरे पूजली वो कहना ओ सीमा ओ पूजा बस बस सुन के ओ पूजली मत सुन पूजली मत सुन पूजली हम ही बोला है एक दाद दे गया वा ताड़ी का झड़ गया लेके क्या कर जाएगा मतलब दाद छपा मत कल डेंटिंग छपान नीचे है कभी रात के तो कभी एकदम डर लगे मारे बात सुन एक एक दिन तरीको बता रही हूँ बजवा को कभी तू खेत में जावे तो तन डर वर लगे तो मुंडा का पाउडर चपोड़ लीजिए और हजिया नहीं कोई के सामला भाग दे भाग जाए के भैया कोना की ढक्कन इतना बना बड़ दाता नहीं तो गाइस फिलहाल है ना अभी मैं PUBG खेलूंगा उसके बाद सोएंगे और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में है ना फिलहाल गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास में पूजा और हम लोग अभी चाय बना रहे हैं पूजा गई है अभी कांटे लेने के लिए तो हमने सोचा क्यों ना यार चूल्हे पे चाय बनाते बल्कि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है इसलिए ये कांटे लेकर आ गई तो अब हम लोग चाय बनाते हैं अब तोड़ेंगे इनको मैंने डाला लकड़ा इसमें मुझे अरे बात अभी अच्छा लग रहा काम करने में जो नहीं आ रहा इतनी रात को ये मुझे बोले ना तो मैं तो नहीं करूँ मैं इसको कहती हूँ चल बैठ सो जा चुपचाप से अकेली रही तू ना यार फिर रूम पे ये आ गई भगोनी और ये आ गया दूध चूल्हा भी हमारा जल चुका है अब इलायची डालनी पता गाइस मैंने क्या करा इलायची ना अभी मैंने फेंक दी थी लेकिन तो शुक्र था ढुली नहीं मन तो ऐसा करा कि यहाँ पे आग मतलब हाथ सेक लू आग में लेकिन अब इतनी सर्दी आई नहीं है इसलिए पूजा फोन चल लू है तुम्हारा एरोप्लेन मोड पे डाल देते हो तुम लोग फोन दोनों ही आईफोन में सिम है या उस दूसरे वाले में दोनों में और फिर कल को कोई कॉल करे तुम लोगों को काय बोल रही पूजली सो गाइस अभी चूल्हा तो फूक मार नहीं सो गाइस चूल्हा तो ना फूक मारने से जला नहीं क्या कर रही है सुनो तेरी शक्ल का सुनो डी मुंडा वो जला कर जी वो रही उधर सोनाक्षी सेना ख्वाब देखो चोट कट जा रही है देखो सर ख्वाब देखो और चूल्हा का रोटियां बना रही है भाई शेखा बाड़ा में और ख्वाब देखो कितना बड़ा बड़ा है सुबह उठते ही पूजा में पोईट उठाई थर गाएगा जीता भी है देख जीत रहा हूँ हमारे पास सुबह सुबह उठते ही वो पानी ढोल दे बाल्टी बारी का मुंडा पर कहीं उड़ जाए बचा नौकरी है तो तू काम करो चुपचाप है भाई राजा ऐसे बैठते हैं मुड्डी में फोन चलाते हैं ऐसे बैठे वाओ नाइस डील सो गाइस दीदी अभी हमारे बना रही है सब्जी काय की बैंगन की वीर भैया की फेवरेट है फेवरेट नहीं फिर बैंगन की सब्जी मैं इसलिए बना रही था कि अपन सब खा ले अच्छे से फेवरेट तो उसका कुछ और ही है जो अपन शाम को कई गिर रहा होता है कई गिर रहा हो और वो पटेल ने जयपुर गया था ना मैं हाँ। तो वो मुखियों के ना पहले से ही नीचे कुछ लड़ा के करना और वो नीचे प्लास्टिक पे टेक दिन वो नीचे तो पूरी ऊपर हो गई मेरा तो नुकसान कर दिया
2000 का नुकसान कर दिया मेरे तो, गाड़ी का काम करा जो करा। फोन कर जो आप। हाँ फोन क्या करे उसको। दीदी इतनी धूप में सब्जी बना रही है गाइस। हाँ ऐसे पहले मैं मेरे घर पे बनाया करती। अभी यहाँ बना रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। बाकी सब तो बन गया। हाँ ले लो, बाकी सब तो बन गया भाई। अभी सब्जी है जो कि बना रही है दीदी। हल्दी तेज वाली है या नहीं? कम डालना आप। तेज वाली है। हाँ तो गाइस आज फाइनली मैं बनाऊंगा पागल। तो मैंने बेकू बनाना शुरू कर दिया गाइस। सबसे पहले बेकू बनाया मैंने इन भैया को, मतलब बेंगो की सब्जी बना रही हूं। हां बेंगो की सब्जी बना लिया मैं, मुझे पसंद है। क्या पसंद है आपको? खीर है या कुछ? यूं ना सीधा यूं डाल दो। खीर खाओगे? लेकर आओ ना फटाफट गाइस। देसी लुक में देख लो दीदी का। हां आज देख लो, काफी टाइम से आप लोग बोलते थे। उधर दीदी बना रही है खाना और इधर भैया लगे हुए हैं गाड़ी के। भाई लेके जा रहे हैं छोटी वाली। हां पतली वाली ये लो। बिल्कुल आ तो मोटी हो शायद और पतली किसी है। इधर लगे हुए हैं भैया फुल मैकेनिकल मोड में। हाँ सब कुछ चिल कर रहे हैं। और इधर पूजा जाएगी पानी भरने। वेरी गुड, बाय बाय। मस्त बैकग्राउंड आ रहा है पीछे का, मतलब ये है ना, ये इसकी वजह से अच्छा लग रहा है। ठीक है आज अभी छोड़ दे, भी छोड़ दे, बल्ला बल्ला जा। हो गया फोकस एंड पूरा। सॉरी 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 जुड़ा तो नहीं। अब वापस अब है ना, बाकी दोनों की स्माइल लेंस ले ली ना। अच्छा फेस की। अब बस हां ठीक है। ठीक है ठीक है चलो ठीक है बस। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग गांव में घूम रहे हैं और पैदल जा रहे हैं रील्स वगैरह बनाने। बाकी सोनिया हमारे साथ, पूजा है और हमने ना वीडियो काफ़ी दिन पहले शूट कर ली, मतलब दो दिन पहले हम काफ़ी टाइम हो गया आए हुए और तीन चार प्रैंक शूट कर लिए मैंने, पांच छह प्रैंक यहाँ पे। इनके ऊपर सोनिया को अभी बुलाया मैंने फ़ोन करके, वो आप लोगों को शायद क्या पता कब मिले प्रैंक, कल भी मिल जाए परसों ही मिल जाए, लेकिन ये व्लॉग है ना पता नहीं कब डालूंगा, मेरे को पता नहीं है। जिस दिन डालूंगा उस दिन व्लॉग देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और बाकी इधर गाँव का नज़ारा काफ़ी मज़ा आ रहा। हम लोग नहाने भी गए थे बाहर, नहाया मैं चड्डी में। सभी चड्डी में नहाते हमारे पता है सूरज कब किस तरह अस्त होता है? वो किधर होता है? हमारे इस तरफ होता है जिस तरह पूजा खड़ी है, बट पता नहीं हमारे मतलब कैसे घूम का समझ में नहीं आ रहा। बाकी कैसे ना ये देखो, आपको ये दिख रहा है देखो, पहले सूरज इसके पानी के अंदर दिख रहा है, फिर ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। कितना प्यारा लगा ये देखो, ये चेक करो गाइज, है ना। यहाँ पे बस 20 मिनट में अंधेरा होने वाला है क्योंकि पता नहीं कल भी जल्दी हो गया था। हम लोग दो तीन रील्स बनाई जब तक अंदर हो गए, और ये लोग यहाँ पे खड़े हैं उधर, वो वीमो व्लॉग बना रहा है। क्या बोल रही है खेपड़ी? ये ऊँट की तरह लगती है कभी कभी मेरे को, इतनी लंबी आई थी। ये देख लो आपसे छोटी हूँ मैं। इतना छोटी है चूतिया बना रहा है? अरे आपके सामने हूँ मैं। अच्छा हाँ सही है सही है बाबू। ये क्या कर रही है मैडम? सूरज को देखो कितना बड़ा दिख रहा है। सूरज को देखो कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखो तो सही देख, वो पूरा दिख रहा है अभी। अरे हाँ दिख रहा है, चले देखो ना उसको, उसके पास चलते हैं अपन। मेरी फोटो इसने अच्छी नहीं खींची। अरे मैं कांच लूने आ रही हूं। अब कांच माओ का ही हो जाए भाई। हाँ क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? और अब पज गया, देख लो फोन नुकसान हो जाता गाइस। पागल हो रहा है, मैंने कहा फिसलते हुए चला गया। फिसलते हुए चला गया, पागल हो जाएगा, नुकसान हो जाता। कितने रुपए का? 1,39,000 का। दूसरी किडनी भी जाती अभी तो एक ही गई है। तो मांगा किडनी के अलावा कहीं भी नहीं बेचो, देख दोनों किडनी बेच चुकी हूँ। एक किडनी बेच के टीएम लाओ और दूसरी आईफोन लाओ। अब हमारे पास ना ढंग का अलावा अभी बेच दे। सही है भाई, प्लास्टिक जाएंगे, प्लास्टिक का लगवा ले, थोड़े लगा के मैंने विदेश में मैंने नए नए वो फोम लगा ले। हां यहां पे था वो पहनने का आता है इसका। तो गाइस आज हमारे घर पे बनेगा चिकन, पूजा बनेगी चिकन। तुम बनाओगे चिकन? नहीं आता है भैया, मैं बनाऊंगा। मैं खाती भी नहीं हूं, लेकिन आपके हाथों का खाऊंगी मैं। कितनी देर में आएगी चिकन? चिकन कितना यहीं पे है, लेके आना पड़ेगा। मुर्गी कितनी देर में आएगी? आपको भी मुंह भी वो चल के आएगी गाइस, चल के आएगी, ठीक चल के आएगी। वो चाइना चाइना वो हिलता है, वो थाली में हिलता रहता है, हिलता रहता है, उसके टांग हिलते हैं। पता है गाइस है ना, सभी हिलते हैं चाइना। पता है अरे वाह, गर्दन कटी हुई है जैसे मुर्गा कट जाता है ना। अब चुप जाओ दोनों का दोनों। शाम को खाना भी है, सन मुन्ने याद करो है जो हमारी बात सुनने में कह रहे हो।
पता है इस गांव में घूम के मेरे गांव की याद आ गई। एक टाइम था जब हमारा गांव भी ऐसे ही था और ऐसे ही बीच में पेड़ पौधे थे सड़क पर, और अभी देखो अभी तो होटलें बन गई हमारे गांव में। भैया उधर भी चल रहे हो, इधर आ जाओ। फुल एकदम फुल पावर कहीं फुल पावर लॉर्ड। फिलहाल अभी वापस घर पे आ गए हम लोग और सोनिया पे बैठी है और उधर देखो सूरज अस्त हो चुका है फिर भी, लेकिन बैकग्राउंड कितना प्यार लग रहा है। मतलब मेरे को यहाँ पे घर पे ना ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मेरे घर पे मम्मी है ना वो भी लगाती है, मेरी मम्मी हमेशा लगाती है हमारे घर में ना। सोनिया तेरे को बताया ना उस दिन दिखाया था ना मैंने सब्जी लगा रही है मम्मी ने बहुत सारी, लेके क्यों नहीं आता है? ओ मम्मी ने लगा रखी है मम्मी की है वो इसलिए मैं मम्मी की मान। तो गाइस अभी देखते हैं खाना ना क्या बनाएंगे और वो आप लोगों को बताइए चिकन बना सकते हैं आई थिंक, नहीं बनाऊंगा तो देखते हैं वो कितनी देर में लेके आएगी। फिलहाल गाइस चूल्हा हमने जला लिया, अभी टाइम क्या हो रहा है? 7 बजेंगे गाइस, अब 7 बजेंगे और ये पूरा सामान है क्या बना रहे अपन? गो ये रहा इसमें नॉनवेज, सारा नॉनवेज इसके पीछे छुपे हुआ है। वीर सम्राट हलवाई बैठ गया, तो अभी नॉनवेज बनाएंगे वीर सम्राट। तो आप लोगों को बताते हो, आप लोगों ने बहुत बार देखा तो होगा वीर को बनाते हुए, लेकिन उसके बाद में वीर अब बना रहा है। मैं बताऊंगी कि भैया कैसा बनाएंगे क्योंकि मेरे को स्वाद भी नहीं पता कि हाँ, कैसा होता मतलब है। टेस्ट करके तो आप ही बताओगे कैसा बनाया है, लेकिन काफी टाइम बाद में ये बना रहे ना इसलिए। ये अंदर प्याज और मिर्ची हरी मिर्ची अदरक वदरक सारा मसाला डाल दिया, पका लो इसको, ये पानी तेल छोड़ेगा ना तब इसके अंदर मसाला डालेंगे सारा। ये एक लाइट वाला बाबा जी बैठा लाइट लेके, अरे यार वो पहले की बात अलग है लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो गाइस है ना इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया, अभी ये तेल छोड़ने के बाद इसके अंदर चिकन डालूंगा, पानी यानी कुछ भी नहीं डालूंगा इसके अंदर, ठीक है ना? अभी कुछ भी नहीं होगा, पहले सूंघ रही है, स्वाद तो आया नहीं, मेन चीज तो डली नहीं, अभी तो मसाला डाला। गाइस ये चेक करो यार, पूरी कढ़ाई भर गई है और ये हमारे हलवाई सर बैठे है, शादी पार्टी के लिए कॉन्टेक्ट लिए जाते हैं ओनली फॉर नॉन वेज, नो वेज, समझ रहे हो? अच्छे से तारीफ करना नहीं तो पलटे के पड़ जाएगी मुंह पे, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट महंगा होगा दोनों के दोनों। आज जब आप लोग बताओ, हटाओ ना फोन, आज आप लोग बताना कि कैसा बना है। बन के रेडी हो चुका है और ये मेरा प्लेट, मैं तो खा रहा हूँ भाई, भूख लग रही है क्योंकि बनाया मैंने तो मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा।